गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम लाए हैं आपके लिए बच्चों की बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या यू कैन से दैट बीपीटी थ्योरम, और यू कैन से दैट द थेल्स थ्योरम। यानी जो ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, ये थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है, और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है बीपीटी थ्योरम भी है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके गाइस, तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नए नए वीडियो, इसमें आपको एलिमेंट्री से लेके एमएससी तक के सारे वीडियो है। आप प्लेलिस्ट में जाके जिस क्लास के वीडियो आपको चाहिए उस क्लास के वीडियो आपको मिल जाएंगे, उसमें है। तो अब आपका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल intersecting the other two sides, then it divide the two sides in the same ratio. तो जो बच्चे हिंदी बोर्ड वाले हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ इसीलिए, और जो इंग्लिश वाले हैं वो लिख रहा हूँ, तो आप दोनों का काम चल जाएगा। तो क्या कह रहा है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides, then it divide the two sides in the same ratio. तो आप इसको समझिए, स्टेटमेंट कहता क्या है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी आता है, स्टेट एंड ग्रुप थेल्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट आपको खुद लिखना है। तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में इसके स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि आपके पास कोई ट्राइंगल ए बी सी है गाइस, और वो कह रहा है कि एक लाइन, जो किसी एक लाइन के जरूरी, जैसे ये मान लो बी सी के पैरेलल ले लो आप, ए सी के भी पैरेलल ले सकते हो, ए बी के भी पैरेलल ले सकते हो, समझ में आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग इसके पैरेलल ले रहे हैं, किसके, हमने ये जो लाइन ली है डी ई, हम ये पैरेलल ले रहे हैं बी सी के, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, और वो कह रहा है ये जो डी और ई है, ये ई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को, और ये जो डी है ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को, क्लियर है। तो वो कह रहा है कि अगर डी ई पैरेलल टू बी सी हो, ओके गाइस, तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ये जो लाइन डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ये वाला जो सेक्शन है, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये जो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी, ठीक है गाइस। ये कोई कंपल्शन नहीं है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप किसी भी साइड के ले सकते हैं। मान लीजिए आप ये ट्राइंगल ऐसा होता, तो आप अगर यहाँ पर लेते तो ये ए बी सी, मान ले आप यहाँ लेते तो डी ए, तो तब आपका बनता सी डी अपॉन डी ए और सी ई अपॉन ई बी, ओके गाइस। और ऐसे आप इसके भी ले सकते थे, किसके, इसके भी, लेकिन हम ऐसा सीधा है तो हम ये वाला ले रहे हैं। यानी उसने ये कहा है, इफ अ लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है वन साइड, किसी भी एक साइड के ऑफ अ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है और वो इंटरसेक्ट करे ट्राइंगल की साइड को ई और डी पर, यानी एक साइड को डी पे कर दी और एक साइड को ई पर कर दिया है, दी अदर टू साइड, अदर टू साइड नाम नहीं दे रखे उसने, हम मान रहे हैं कि वो उनको वहां पर, देन इट डिवाइड दी टू साइड इन द सेम रेशियो। तो ये जो लाइन आपने पैरेलल ड्रॉ करी है इस लाइन के, कह रहा है कि ये जो है, ये जो दो साइड है इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, यानी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ओके गाइस। यानी व्हाट यू हैव टू प्रूव हियर, आपको ये प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, the side which is parallel to third side divide the two given side in the same ratio. तो यही मतलब है कि जो ये side parallel है third side की, जो दो given side है उनको same ratio में divide करती है, यानी जितना ये ratio इसका और इसका ratio है, इतना ही इसका और इसका ratio भी आपस में क्या आना चाहिए, बराबर। Now we are going to construction. अब आप construction करेंगे, तो construction कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इसको इसके साथ join कर देंगे, ठीक है, और इसको एक कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन में जो है डॉटेड से वो कर रहा हूँ, और आपको
करना क्या है, नाउ एक परपेंडिकुलर गिराएंगे आप, ओके, द नेम ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज, दिस इज ए बी सी, दिस इज डी, दिस इज ई, ओके, नाउ वी आर टेकिंग ई एफ, तो पहला परपेंडिकुलर ई एफ इज परपेंडिकुलर टू, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ई एफ किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, ओके गाइस, और विद द सेम वे यहां से भी परपेंडिकुलर, यानी इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इसका नाम रख देते हैं जी। अब हमारा क्या हो गया, एंड एंड डी जी इज परपेंडिकुलर टू, ये डी जी जो है ये किस पर परपेंडिकुलर हो गया, डी जी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो दिस इज वी हैव डी जी परपेंडिकुलर टू ए सी। नाउ अब आपको क्या करना है, प्रूफ, अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करेंगे तो कैसे करेंगे, बहुत आसान थ्योरम है, और अभी यूपी उत्तराखंड बोर्ड में 10th के जो बच्चे हुए हैं उसमें मैथ्स का पेपर भी है, तो या तो पाइथागोरस या थेल्स थ्योरम, इन दोनों में से एक थ्योरम आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखिए आप, तो पहले आप लेंगे इस ट्राइंगल को, लेंगे आप ट्राइंगल ए डी ई, इन ट्राइंगल ए डी ई, ओके गाइस, तो मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू, कितना होता है ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है, मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ए डी ई है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस हाफ बेस इंटू हाइट, जितनी हाइट होती है बेस इंटू हाइट, ये होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ एक बटा दो गुणा गए आधार गुणा गए ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट, ओके गाइस, तो इसमें क्या होगा, ये ट्राइंगल है, अब ये परपेंडिकुलर गिराया था आपने, तो ये इस ट्राइंगल के लिए हाइट है, किस ट्राइंगल के लिए, ए डी ई के लिए भी और डी बी ई के लिए भी हाइट यही रहेगा, कौन, ये जो आपने ऐसे परपेंडिकुलर गिरा रखा है, तो अब की बात ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं ए डी ई, ये इसका बेस हो गया ए डी और ये इसकी हाइट हो गई ई एफ, हाइट कितनी हो गई ई एफ, तो ये हो जाएगा हाफ हाफ ए डी इन टू दिस इज ई एफ, ओके गाइस, दिस इज इक्वेशन नंबर वन यू हैव। नाउ अब क्या करेंगे आप, अब आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे डी बी ई का, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी बी ई, ओके गाइस, क्या हो जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस, इस ट्राइंगल का बेस है डी बी और इसकी हाइट ये रही है जो 90 डिग्री पे, ये परपेंडिकुलर गिरा रखा है तो ये 90, तो समझ रहे हो आप, देख रहे हो आप, लग रहा होगा कि यार ट्राइंगल तो यहाँ हाइट यहाँ है, तो आप दो होते हैं, एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है, तो उनको आपको पता होगा अधिक कोण त्रिभुज और संपूर्ण सॉरी न्यून कोण त्रिभुज, तो ये वाली इसकी ई एफ जो है इस ट्राइंगल के लिए हाइट का काम करेगी, ई एफ ये ट्राइंगल ऐसा है, कैसा मतलब समझ रहे हो आप, ऐसा बन रहा है, तो ये साइड से हाइट आ रही है इसके, ये हाइट यही आएगी जो 90 डिग्री पे गिर रही है, क्योंकि तो गिरी इसी ट्राइंगल पे रही है, ये इस ट्राइंगल पे, यहाँ से देखें आप बी एफ ई पर, तो ये इसकी हाइट है ये वाला, तो ये हो जाएगा बेस, बेस कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल का बी डी, इस ट्राइंगल का बेस कितना हो जाएगा बी डी और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ए एफ, तो हाफ बेस हो गया बी डी और हाइट हो गई ई एफ, ओके गाइस, दिस इज इक्वेशन नंबर टू यू हैव। नाउ तो ये हो गया इन ट्राइंगल, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल क्या लिया था हमने डी बी, ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई, ओके। नाउ ये हो गया इस तरफ, अब देखो थोड़ा सा सीधी सी बात है, एक आपको ए डी बी बी बराबर करना है ए सी, एक ये वाला और ये वाला साइड चाहिए जिसमें, और
एक ये और ये चाहिए, तो इसका मतलब अब आप लेंगे ये वाला ट्राइंगल ए डी ई, लेकिन अब की बार हाइट ये लेंगे आप कौन सी डी जी, अब की बार ये बेस हो गया और ये हाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एंड ट्राइंगल, अब की बार कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप, ए डी ई, नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, ओके गाइस ए डी ई, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई, वंस अगेन दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट यू हैव, ए इज द बेस एंड डी जी इज द हाइट, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ, दिस टाइम बेस वी हैव ए ई, कितना है हमारा आधार, बेस का मतलब होता है आधार, ए ई, ए ई इंटू हाइट, हाइट कितनी है आपकी डी जी, हाइट कितनी है आपकी दैट इज डी जी, तो दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री यू हैव, ये कितना हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री हो गया, ठीक है गाइस। नाउ आप क्या लेंगे आप, अब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे डी ई सी या डी सी ई, अब आ जाएगा आपका एन ट्राइंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ दिस साइन, बेस कितना है आपका सी ई, बेस कितना है सी ई और हाइट कितनी है आपकी डी जी, बेस कितना है आधार है इसका सी ई और ऊंचाई है इसकी डी जी, ओके, ये हाफ सी ई और ऊंचाई है इसकी डी जी, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब आपको क्या करना है बच्चों, जो एक साइड का ट्राइंगल है जैसे ये वाला और ये वाला, जो एक देख रहे हो आप ए डी ई और ई डी बी, इन दोनों का आप फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, तो कितना आया था ये हाफ ए डी इंटू ई एफ, और यह आया था आपके पास हाफ बी डी इंटू ई एफ, ओके, ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज ए डी अपॉन बी डी यू हैव, ओके ए डी अपॉन बी डी। सिमिलरली आप ऐसे क्या करें, अब आप क्या करें थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर दीजिए, थर्ड और फोर्थ को डिवाइड करेंगे, तो थर्ड क्या है आपके पास, थर्ड है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, सो दिस इज वी हैव ए डी ई, कितना आपके पास हाफ ऑफ, हाफ ऑफ ए ई, हाफ ऑफ ए ई इंटू डी जी अपॉन, ये कितना है आपके पास हाफ ऑफ सी ई इंटू डी जी, क्लियर गाइस, डी जी से डी जी कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो यू हैव नाउ ए ई अपॉन सी ई, तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर फाइव एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि आपको प्रूफ क्या करना है, ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी, तो आपका आ तो रहा है ए डी अपॉन डी वी और ए ई अपॉन ई सी, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इनके लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करना पड़ेगा, तभी तो इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे, क्या था इसका लेफ्ट हैंड साइड ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, डी बी ओके, और इसका लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई, अब आपको मतलब ए डी ई डी बी ये वाला एरिया और ये वाला बराबर दिखाने हैं, तो अब आप देख रहे होंगे ये ए डी ई है, यहाँ भी ए डी है, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ये समझो, लेकिन इसके बेस में डी बी ई है और इसके बेस में डी ई सी है, डी ई डी इसके बेस में कितना है डी सी ई, इसके बेस में है
डी सी ई, तो यानी हमारा पंगा जो है ये हमें ये बराबर करना है, एरिया ऑफ डी बी ई और एरिया ऑफ डी सी ई। अगर आपने डी बी ई और डी सी ई बराबर कर दिया, ऊपर वाला तो इनका पहले ही बराबर है, नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड बराबर होता है तो गणित में क्या होता है, राइट हैंड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वही आपको प्रूफ करना है। तो यानी अब आपका टारगेट है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी, तो देख लेते हैं कौन सा ट्राइंगल है, डी बी ई ये वाला ट्राइंगल है, इक्वल करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी ई के, और डी सी ई के इक्वल करना है। तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बताओ कैसे। आपने नाइन्थ क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, क्या कहती है वो थ्योरम, वो थ्योरम कहती है ऐसे हैं ये ट्राइंगल, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ऐसे बन जाएंगे, कैसे, ये इधर इसके साथ ये ज्वाइन कर रखा है और इसके साथ ये, तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों एक ही आधार, इनका बेस एक ही है दोनों का, ये वाला यानी डी ई बी का, डी ई बी का आधार भी डी ई है और डी ई सी का आधार भी क्या है, डी ई है। आ रहा है समझ में, इसका देखिए डी ई बी का बेस डी ई है एंड द बेस ऑफ डी ई सी इज ऑल्सो डी ई, बेस जहां पर भी मैं बोल रहा हूँ बेस का मतलब आधार, डी ई सी इसका भी बेस। तो अगर दो ट्राइंगल एक ही आधार पर हो और सेम पैरेलल के बीच में हो, पैरेलल मतलब समझ लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम आधार पर हैं, सेम बेस पर है और बिटवीन सेम पैरेलल है। तो जब ऐसा होता है तो दोनों के एरिया आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस, क्या बोला मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, क्यों, बिकॉज ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस डी ई, दोनों ट्राइंगल किस पर हैं, सेम बेस डी ई पर हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल डी ई एंड बी सी, और दोनों सेम पैरेलल डी ई और बी सी के बीच में भी हैं। तो जब ये कंडीशन पूरी होती है कि एक ही आधार पर और दो समान समांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई दो त्रिभुज पड़ते हैं तो उन दोनों का एरिया आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये लाइन आप लिखेंगे, इस लाइन को हम लिखते हैं यहाँ पर, उसी लाइन को मैं लिख रहा हूँ जो मैंने बोली अभी तक, क्या बोला मैंने, अब आप लिखोगे सिंस ट्राइंगल डी बी ई, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी, ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस डी ई, दोनों सेम बेस डी ई पर एंड बिटवीन सेम पैरेलल DE and BC, यानी ये जो DE और BC के बीच में, इसलिए therefore area of triangle DBE is equal to area of triangle DEC। Okay guys, ये आ गए आपका 5-6, this is equation number 7। तो अब आप देख लीजिए 5 और 6 से, देखिए 5 और 6 को, तो ये ADE, ये ADE, बस नीचे वाला गड़बड़ था, इसका DBE था और इसका DCE था, और उन दोनों के एरिया भी आपने क्या कर दिए, बराबर प्रूफ कर दिए। तो अब आप क्या करोगे, फ्रॉम 5 एंड 6, तो देखो 5 और 6 से क्या हो जाएगा, ये ADE बराबर है और ये DBE और DEC क्या है, ये भी अब क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इसलिए इक्वेशन फ्रॉम 5, 6 एंड 7, अगर तीनों को मिला दोगे आप, इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 6 को और इक्वेशन 7 को, इक्वेशन 7 किस लिए काम आ रही है, ये नीचे वाला बराबर करने के, तो जब ये लेफ्ट हैंड इस लेफ्ट हैंड के बराबर हो जाएगा तो ये राइट हैंड इस राइट हैंड के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 5, 6, 7 से हम सीधा लिख सकते हैं
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके गाइस। और यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है AD अपॉन DE AE अपॉन EC, यानी ये AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। क्यों बराबर है फिर बता देता हूँ, क्योंकि इनके ऊपर वाले तो बराबर थे ही, नीचे वाले बराबर नहीं थे, तो वो आपने प्रूफ कर दिए, तो इसलिए अब ये पूरा लेफ्ट हैंड इस पूरे लेफ्ट हैंड के बराबर हो गया, इसलिए तो पूरा राइट हैंड भी पूरे राइट हैंड के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या इसको थेल्स का प्रमेय भी बोलते हैं, और इसकी कुछ कॉरोलरी हैं तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ये क्या, ये रिजल्ट आ गया आपके पास AD अपॉन DB, वैसे हमारा थ्योरम यहीं पर प्रूफ हो गया है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाल रहा हूँ क्योंकि इन पर बेस क्वेश्चन आते हैं। एडिंग वन बोथ साइड, तो अगर आप दोनों तरफ वन ऐड कर देंगे, तो दोनों तरफ अगर आप वन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम ले लेंगे आप इसका, AD प्लस DB अपॉन DB, और ये हो जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। AD और DB किसके बराबर है, AD और DB बराबर है AB के, AB अपॉन DB, और AEC किसके बराबर है, AEC किसके बराबर है, दैट इज AC के, AC अपॉन EC। ओके गाइस, अगर ऐसी कभी कंडीशन पड़ती है कि ये पूरी साइड दे रखी है और ये दे रखी है और ये पूरी दे रखी है, ये दे रखी है, तो भी आप उससे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है। ऐसी एक और है, अगर इसको रेसिप्रोकल करके तब वन ऐड करेंगे तो तब ये एटा कर लेंगे, तो वाली कॉरोलरी भी इसकी निकल जाएगी। तो आई होप, मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा, अच्छी थ्योरम है, इस बार बोर्ड में आ सकती है, पाइथागोरस भी करा रखी है, ये भी करा रखी है, और सब क्लास के लिए वीडियो आपके पास अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाके देखें। थैंक यू।